वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सभी बच्चे बहुत 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 अच्छे हैं. स्टूडेंट्स, आज का सेशन है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप सभी लोगों का क्विज है, एक चैलेंज है आप सभी के सामने. 10 क्वेश्चंस मैंने आज आपकी को मैं करवाने वाली हूँ आज के सेशन में, या 10 क्वेश्चंस का वो क्विज है आपको इस चैलेंज को पास करने के लिए, इस चैलेंज को आपको क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 7 सवालों का आंसर सही देना है. यू हैव टू आंसर 7 क्वेश्चंस. जितने बच्चों ने 7 से ऊपर जिनका स्कोर आएगा, उन मतलब उन्होंने इस चैलेंज को क्लियर कर लिया है, उन्होंने इस चैलेंज को पास कर लिया है. और जितने बच्चों का 7 से कम होगा स्कोर, उनको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है. तो क्या सभी लोग आज के इस क्विज के लिए रेडी हैं? इज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रेडी फॉर टुडेज क्विज? यस, आई होप यस, सभी बच्चे एकदम एकदम रेडी हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन नाउ. ये हमारी अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट की टीम है जो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है. स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ जुड़ सकें. आप बहुत सारे चैनल्स पे होते हो, आप बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो सभी को ये वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे आज क्लास में आ सकें. मेरी 4 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है. आपको पता है मंडे टू सैटरडे ये 4 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है. जितने भी बच्चे हैं द हिंदू एडिटोरियल क्लास में ज़रूर आइए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. ये क्लास कहाँ पर होती है? अनअकैडमी प्लस पे होती है. आई होप आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस पे हैं. यहाँ पे इस चैनल पे मेरी क्लासेस 2 बार होती हैं. हम 1 बजे मिलते हैं, जब हम बहुत सारे बैंकिंग के क्वेश्चंस करते हैं. अभी हमारी टॉप 500 एरर डिटेक्शन की सीरीज चल रही है, जो हम पूरी कर रहे हैं. और 6 बजे हम लोग मिलते हैं, जहाँ पे हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं. ये मेरी अनअकैडमी में प्रोफाइल है. अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक ये प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सबकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास आती रहेगी, अगर आप इस प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो. हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है. किस चीज़ का ये कोर्स है बच्चे? ये IBPS PO के लिए कोर्स है, IBPS क्लर्क का भी कोर्स है. मेरा क्रैश कोर्स भी आ रहा है IBPS PO का. तो जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और एक डेडिकेटेड वे में एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे के सारे बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लोगे, अपना गोल सिलेक्ट कर लोगे किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, और सब्सक्रिप्शन आप सभी को लेना है. सब्सक्रिप्शन बहुत इकोनॉमिकल है, एक बहुत कम वैल्यू में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाती हैं, सारे कोर्सेज मिल जाते हैं. आपको कोड क्या यूज़ करना है बच्चे? यू हैव टू अप्लाई दिस कोड. आपको कोड लगाना है NBLIFE, और आप सभी बच्चों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. यू विल गेट 10% डिस्काउंट. तो NBLIFE कोड सभी बच्चे याद रखेंगे, और जब भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, NBLIFE कोड हर बच्चा याद रखेगा, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का टाइमर आप सभी बच्चों को मिलेगा. आपको वो क्वेश्चन ट्राई करना है और उसके आंसर्स नोट करते हुए चलना बच्चों. और लास्ट में जब मैं आपसे पूछूंगी आंसर्स, आप लोग मुझे आंसर्स बताओगे और लास्ट में स्कोर को बताओगे. चलिए, सभी लोग रेडी हैं? सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया है. मैं 10 सेकंड के लिए रुक रही हूँ. जल्दी से सारे के सारे बच्चे जल्दी से जाके एक बार इस वीडियो को शेयर करेंगे. आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स. यू विल गो एंड शेयर दिस वीडियो विद everyone. सारे के सारे बच्चे अभी के अभी इस वीडियो को जल्दी से जाके हर बच्चे के साथ शेयर करेंगे, अभी के अभी करेंगे. फिर हम इस चैलेंज को स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट दिस चैलेंज, बट उससे पहले हर बच्चे की ये ड्यूटी है कि वो बच्चा इस वीडियो को शेयर कर देगा. कर दिया सभी ने? येस और नो? हैज ईच एंड एवरी वन शेयर्ड इट? चलिए, कर दिया है सभी बच्चों ने, मैं ऐसा मान सकती हूँ. तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये रहा सभी बच्चों के लिए टाइमर. 30 सेकेंड का टाइमर दूंगी हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को. हर बच्चा पूरा का पूरा एक क्विज अटेम्प्ट करेगा, बहुत अच्छे से करेगा. ये
ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये रहा बच्चों टाइमर, टाइमर ऑलरेडी चल रहा है, मैं क्वेश्चंस बस चेंज करती जाऊंगी आप सभी के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगले क्वेश्चन बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। This is the next question. ये रहा अगला क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको 45 सेकंड्स दूंगी बच्चों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज चैलेंज आपकी स्क्रीन पे। चलिए सो स्टूडेंट्स द टाइम इज़ अप, टाइम ओवर हो चुका है सभी बच्चों के लिए।
लेट अस लुक एट द आंसर्स नाउ. आंसर्स को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन से आंसर्स को देखेंगे और उसके बाद हर बच्चा मुझे आप सभी लोगों ने पास किया है या नहीं किया. फर्स्ट वन, गुविलिया सून डिस्कवर्ड द सोर्स ऑफ द डैश स्मेल. एक बहुत गंदी स्मेल उन्होंने डिस्कवर की. कैन आई से कैसी गंदी स्मेल, तो स्मेल के साथ कौन सा वर्ड आना चाहिए? क्वेंट. क्वेंट का मीनिंग तो होता है स्ट्रेंज. क्वेंट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, बिजारे, समथिंग जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सी है उसको हम क्या बोलते हैं? क्विंट. फास्टिडियस का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को केयरफुल अटेंशन देना, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, कोई लिंक नहीं है. क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग क्या होता है? किसी काम को सीक्रेट में करना, कोई लिंक नहीं है. लेकोनिक का मीनिंग क्या होता है? बहुत कम बोलना, बहुत कम वर्ड्स में बोलना किसी बात को, कोई लिंक नहीं है. फेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैलोड्रस, बहुत गंदी स्मेल. तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई. ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर. कितने बच्चों का सही निकला? चलिए, बहुत सारे बच्चों का सही निकला है. अगला क्वेश्चन ये रहा, आफ्टर मेकिंग डैश रिमार्क्स टू द प्रेसिडेंट. ऐसे रिमार्क्स करने के बाद प्रेसिडेंट के ऊपर, द रिपोर्टर वॉज नॉट इन्वाइटेड टू रिटर्न टू द व्हाइट हाउस प्रेस रूम. उसने ऐसे रिमार्क्स करे उस प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसको इन्वाइट नहीं किया गया. मतलब वो रिमार्क्स कैसे थे? वो रिमार्क्स अच्छे नहीं थे. तो हॉस्पिटल तो एक पॉजिटिव वर्ड है, बहुत अच्छे से किसी को ट्रीट करना नहीं हो सकता आंसर. इटिनरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रैवलर, जो ट्रैवल करता है, नहीं हो सकता आंसर. एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइजिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेयरिंग, डेयरिंग रिमार्क्स. थोड़ा बहुत मुझे आंसर लग रहा है, मैं एक छोटा सा टिक यहाँ पे लगा लूँगी. शिवलरस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो वुमेन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, कोई लिंक नहीं है. हाँ, इररेवरेंट, और अगर मैं एंटरप्राइजिंग को कंपेयर करूँ तो इररेवरेंट का मीनिंग क्या होता है? आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो. प्रेसिडेंट एक ऐसी पोजिशन है जो एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन है, और उस बंदे ने रिस्पेक्ट नहीं दिया. मतलब उसके रिमार्क्स कैसे थे? उसके रिमार्क्स इररेवरेंट थे. मतलब फिर से हमारा आंसर क्या हो गया? What is the right answer? Right answer is option number E. चलिए अगले question पे आते हैं. With her dash eyesight, उसकी eyesight इतनी अच्छी थी कि वो, उसने hill side के पास 3 deer को देख लिया और अपनी कार की स्पीड रिड्यूस कर ली. इनफीरियर, अच्छी थी ना भाई. तो conspiracy करना, षड्यंत्र रचना, ductile का meaning होता है जो तार में खिंच जाए. अब इम्प्रेस थोड़ी ना कर रही है वो किसी को, इम्प्रेस थोड़ी ना कर रही है किसी को. उसकी कीन शार्प आईसाइट थी. इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा बच्चों? कीन आएगा. उसकी आईसाइट कैसी थी? एकदम कीन थी. अगला क्वेश्चन, विद अ डैश एक्सप्रेशन द बॉय क्विकली स्लिप द कैंडी इन टू हिज पॉकेट विदाउट हिज मदर्स नॉलेज. बिना उसकी मदर की नॉलेज के उस बॉय ने एक कैसा एक्सप्रेशन दिया? बड़ा मासूम सा एक्सप्रेशन दिया, और मासूम सा एक्सप्रेशन देते हुए उसने उस टॉफ़ी को अपनी पॉकेट के अंदर स्लिप कर लिया. उसने उस टॉफ़ी को अपनी पॉकेट के अंदर डाल लिया, मासूम सा एक्सप्रेशन दिया. ये तो बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन होता है. जॉन्डिस एक्सप्रेशन क्या होता है? विकेड एक्सप्रेशन देना. स्टीरियोटिपिकल एक प्रॉपर पैटर्न का एक्सप्रेशन देना नहीं, इमोशनल एक्सप्रेशन देना बिना पार्शियलिटी के नहीं, एक इनोसेंट एक्सप्रेशन देते हुए. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही सभी बच्चों का. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक इनोसेंट एक्सप्रेशन को देखते हुए. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. हर डैश डिस्प्ले ऑफ टीयर्स एट वर्क डिड नॉट इम्प्रेस हर न्यू बॉस. उसके ऐसे जो आंसू निकल रहे थे, उन आंसुओं से उसका जो नया बॉस है वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ. हु फेल्ट शी शुड ट्राई टू कंट्रोल हर इमोशंस. और उस बॉस को क्या लगा? उस बॉस को लगा कि उसे जो उसके इमोशंस हैं उसे कंट्रोल करना चाहिए. चलिए देखते हैं. मॉडलिन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मॉडलिन? मॉडलिन वर्ड का मीनिंग बच्चे क्या होता है? इनसिंसियरली इमोशनल, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे. सिंसियरिटी नहीं थी, बस ऐसा लग रहा था बस इमोशनल ज़बरदस्ती हो रही है. एकदम सही बात है, बिल्कुल लिंक कर रहा है. मेरिटोरियस का मतलब होता है अच्छा. अभी मेरिटोरियस तो नहीं है ना, अगर मेरिटोरियस होते तो बॉस तो खुश हो जाता. प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस. भी डेंजरस क्यों होंगे किसी के आंसू? प्लॉजिबल, प्लॉजिबल वर्ड का मीनिंग होता है रीजनेबल. भी आंसू रीजनेबल कैसे हो सकते हैं? स्कीमेटिक सीम के अकॉर्डिंग नहीं. आंसर क्या हो गया? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए.
कितने बच्चों के सही निकल रहा है, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके आंसर्स अभी सही निकल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन ने आर्ग्यू किया, इफ़ यू नो अबाउट अ क्राइम, अगर आप उस क्राइम के बारे में जानते हो बट यू डोंट रिपोर्ट इट, लेकिन आप उस क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते हो, आपको पता है कि क्राइम हो रहा है बट आप उस क्राइम के बारे में आगे नहीं बता रहे हो, आप उस क्राइम की इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं दे रहे हो, यू आर डैश इन दैट क्राइम, भाई आप उतने ही जिम्मेदार हो, आपको क्राइम पता है आप नहीं बता रहे हो, मतलब आप उतने ही जिम्मेदार हो क्योंकि आपने उस क्राइम को होने दिया, आपने उस क्राइम को रोका नहीं, तो यू आर एक्विटेड इन द क्राइम। आंसर क्या हो गया, आप भी एक्विटेड हो उस क्राइम में। स्टेडफास्ट का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेडफास्ट होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे अड़े रहना। टेन्युअस, हमारे टेन्युअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा पतला। कॉम्प्लिसिटी एक वर्ड होता है, किसी चीज़ में सहारा देना, किसी चीज़ में कोलैबोरेट करना। नलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को नलीफाई कर देना, मना कर देना। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप बहुत सारे बच्चों के आंसर सही निकल रहे हैं। अगले वर्ड को देखते हैं, द अथॉरिटीज़ फियरिंग अ डैश ऑफ देयर पावर। अथॉरिटीज़ को अभी क्या लग रहा है, अथॉरिटीज़ को अभी डर लग रहा है कि उनकी पावर को क्या नहीं कर दिया जाए, उनकी पावर को कुछ नहीं कर दिया जाए, और इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने मिलिट्री स्टेट को बुलाया कि उनका जो ऑर्डर है वो फिर से रिस्टोर हो जाए। तो उन्हें क्या लग रहा है, उनकी पावर को क्या नहीं किया जाए, उनकी पावर को सबवर्ट नहीं कर दिया जाए, उनकी पावर को ओवरथ्रो नहीं कर दिया जाए। सबवर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, या सबवर्जन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को ओवरथ्रो कर देना। तो सेवन क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। प्रिमोनिशन का मतलब क्या होता है, आगे की वार्निंग। वेगनेस, क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। इन्फ्यूजन, किसी चीज़ को इन्फ्यूज़ कर देना। इन्वर्जन, किसी चीज़ को उल्टा कर देना। तो बाकी का कोई भी वर्ड रिलेटेड नहीं है, केवल और केवल एक वर्ड कौन सा रिलेटेड था, सबवर्जन। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला, इट इज़ अ डैश फेज। भाई कैसा फेज है कि गवर्नमेंट जो है एक्टिवली असिस्टिंग इन अ राइट विंग एफर्ट टू डैश द डिस्कोर्स ऑन नेशनलिज्म। सबसे पहले तो टू के आगे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब पहला वाला तो चला गया। अब कैसा फेज, अभी डरा खतरनाक फेज है ना, कि गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला लोगों की ऐसे राइट विंग की एफर्ट को हेल्प कर रही है कि वो नेशनलिज्म पर जो डिस्कोर्स है उसको क्या कर सके, एक एक शेप दे सके। तो आई थिंक हार्मलेस, इनोक्यूस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, हार्मलेस। तो हार्मलेस तो नहीं है। अब ट्रिकी फेज, चांसी फेज है, डेंजरस फेज। कैसा फेज है, एकदम सही बात, डेंजरस फेज है, और उस कोर्स को हम शेप कर रहे हैं। आंसर क्या हो गया, व्हाट इज़ द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप बहुत सारे बच्चों का ये आंसर सही निकला होगा। अगला क्वेश्चन, बिसाइड टेकिंग द डैश टू द कंट्रीज कैंपस दैट इज मोस्ट आइडेंटिफाइड विद लेफ्ट पॉलिटिक्स, द JU डेवलपमेंट वॉज ऑब्वियसली अ चांस फॉर द BJP टू डैश फ्रॉम द एक्सेसेस ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में जो बहुत ज़्यादा हो गया था उससे उन्हें क्या करना है, उससे उन्हें ऑफसेट करना है, हार्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, रिकवर करना है, रिज्यूम करना है। कहना ऐसे लास्ट वाले में रिकवर ही आएगा, जो उन्हें दिक्कतें हुई थी वहाँ पे उससे अब उन्हें क्या करना है, उससे उन्हें रिकवर करना है। तो लड़ाई को वहाँ ले जाने के अलावा उसको पास एक और चांस है JNU डेवलपमेंट में। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। कितने बच्चों के सारे सही हो रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे बच्चों के सारे सही हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का जो रिवाइवल है, स्ट्रॉन्ग ये वापस हो रहा है, पुरानी स्टेट पे वापस जा रहा है, रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल, क्या इसे क्या ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल मेकिंग, स्ट्रक्चरल एजेंडा, स्ट्रक्चरल इम्प्रूव, स्ट्रक्चरल रेक्टिफाई, नहीं इसे क्या ज़रूरत है, नाउन आएगा यहाँ पे, इसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को फिर से रिवाइव करना है तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बिसाइड सब्सटैंशली इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि और साथ के साथ हमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो तो रुका हुआ है, वो तो स्टैग्नेंट है। आंसर क्या निकला, व्हाट इज़ द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर बताएंगे जल्दी से। Yes, everyone will tell me your scores.
आप सभी लोगों ने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 10? व्हाट आर योर स्कोर्स एवरीवन, जल्दी से बताइए। चलिए, सो सभी बच्चे मुझे अपना कमेंट्स में स्कोर बता देंगे। जितने बच्चों का 7 से ऊपर स्कोर है, यू हैव क्लियर्ड दिस चैलेंज, और जिनका 7 से कम है, वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्लासेस में एकदम रेगुलर आओ, वोकैबलरी बहुत बहुत ईजी लगने लग जाएगी। चलिए, सो वी आर एंडिंग दी सेशन नाउ। एक रिमाइंडर सभी बच्चों के लिए, अनअकैडमी प्लस का आपको सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको एक गाइडेंस मिलेगा हम सारे फैकल्टीज से। हम पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश की लूँगी, मैथ्स का जो बेस्ट फैकल्टी है मैथ्स की लेगा, रीजनिंग की लेगा। आप बहुत सारे फैकल्टीज़ के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए, इस कोड को ज़रूर लगाइएगा NB Life, और सभी बच्चों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू हैव टू अप्लाई दिस कोड NB Life। इस कोड को नोट करके रख लो कहीं पे, जब भी अप्लाई करो इसे डेफिनेटली अप्लाई कर लेना। चलिए, अब हम आज का सेशन एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी बच्चे मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई विल डेफिनेटली गेट माई ड्रीम जॉब। बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।